जी डॉक्टर प्रियंका लाल चौधरी ने चौंकाने वाली जीत दर्ज की है। चौधरी ने 3 बार के कांग्रेस विधायक मेवाराम जैन को हराकर जीत हासिल की। न्यूज 18 से खास बातचीत में प्रियंका चौधरी ने बाड़मेर के विकास के लिए सड़क चिकित्सा संबंधी सुविधा के लिए काम करने की बात कही। हमारे साथ में है, आज जीत चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। प्रियंका जी, पहला कमेंट क्या होगा? बाड़मेर के 36 गांव की जनता को धन्यवाद कि उन्होंने बाड़मेर के विकास के लिए सही निर्णय लिया। देखिए, युवाओं ने तो बहन का मेहरा भर लिया, अब जिम्मेदारी प्रियंका चौधरी के ऊपर बड़ी आ चुकी है बाड़मेर के विकास को लेकर, तो कौन सा विजन है? देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि इतना सम्मान, इतना आशीर्वाद और इतना स्नेह मिला है। मैंने आपको पहले भी कहा, हर सभा में कहा है कि मैंने ये तय कर लिया कि बाकी का बचा हुआ जीवन मैं यहाँ के बाड़मेर के बुजुर्गों को, माताओं, बहनों को, युवाओं को समर्पित करती हूँ। राजस्थान में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल की है। अब बारी है सरकार बनाने की, जिसे लेकर बीजेपी के आलाकमान ने तैयारियां तेज कर दी। बीजेपी अब मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की तैयारी में जुट चुकी है। इसके अलावा प्रदेश नेतृत्व और विधायक दल के नेता को लेकर भी मंथन है। अजमेर उत्तर से लगातार 5वीं बार जीत दर्ज करने वाले बीजेपी नेता वासुदेव देवनानी ने कहा है कि उन्हें राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी जिम्मेदारी सौंपेगा वह मान्य होगा। उन्होंने बीजेपी में सीएम कौन, मुख्यमंत्री बनेगा यह कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन पार्टी में कई ऐसे बड़े नेता हैं जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उन्होंने कहा है कि 1-2 दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उसका मूल कारण कि जनता में जो कांग्रेस राज के प्रति उनकी निराशा थी, वो लोग त्रस्त थे। युवकों को लगा कि पेपर लीक हो रहे हैं, अब हमको पारदर्शिता के साथ हमारा साथ न्याय होगा। महिलाओं को लगा कि हमारी इज्जत की रक्षा होगी, और बिजली वालों को लगा कि भाव इन्होंने जो झूठे वादे किए थे उसका पर्दाफाश होगा। धौलपुर से खबर है, जहां एक नवविवाहित